लोग जिस तरह आईफोन के लिए पागल होते हैं, बिल्कुल उसी तरह लोग नथिंग फोन के लिए भी पागल हो रहे हैं। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। नथिंग फोन ने आज मार्केट में बहुत हाइप बनाई है और इसके पीछे काल पाई की दो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है। नंबर वन, उन्हें पता है कि जो चीजें लिमिटेड होती है उन्हीं चीजों को खरीदने की लोगों को बहुत ज्यादा खुजली होती है और इसीलिए वो नथिंग फोन को कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स को ही इन्वाइट करके उनको सेल कर रहे हैं, जिससे उसकी स्कैरसिटी लोगों को महसूस होगी और लोग इसे और ज्यादा डिमांड करेंगे। यही सेम स्ट्रेटजी उन्होंने वन प्लस के पहले स्मार्टफोन के लिए भी यूज की थी, जिससे उन्हें सिर्फ 22 दिनों में 1 मिलियन स्मार्टफोन्स की ऑर्डर आई थी। सेकंड, OnePlus के को-फाउंडर होने की वजह से काल पाई का नेटवर्क बहुत बड़ा था। उन्होंने उस नेटवर्क का फायदा उठाया और वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड्स रेज करने की जगह पर 10,000 इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज से फंड्स रेज किए। इसमें रणवीर अलाहाबादिया, करण जौहर और क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह भी शामिल थे। इन सारे लोगों के फैन बेस की वजह से नथिंग फोन 1 को मार्केट होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली। लेकिन क्या स्मार्टफोन इंडस्ट्री में काल पाई स्टीव जॉब्स के जितना फेमस हो पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताओ। और ऐसे बिजनेस स्टोरीज के लिए मुझे फॉलो करो।